see the sunrise. What a view. तो ये आपको ले जा रहे हैं रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की तरफ हम लोग यार। रिसेप्शन टू रात का आपको नाइट व्यू मैंने थोड़ा सा दिखाया ही था, तो अभी आपको ये मॉर्निंग वॉक पे हम निकले हैं। वहाँ का यार ये 2-4 मिनट का वीडियो कर लें शूट। ये लॉन एरिया और ये रेस्टोरेंट सब सड़क का कोई मिल जैसी थे वॉक कर दाया। ये हैप्पी अब है और ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारे रेजिडेंशियल ब्लॉक। फर्स्ट बिल्डिंग ये दिखाई दे रही है आपको और इसमें बॉस ऐसा है, अभी मुझे रूम का आइडिया नहीं है कितने हैं, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। बट अभी ये कि इसमें जो एक अपार्टमेंट, ये पूरी एक बिल्डिंग है, एक ब्लॉक जो है उसी में स्टूडियोज़ हैं, उसी में HU हैं, उसी में ही 1 BR है। जैसे जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसका नाम है पराइसो। लेफ्ट में पराइसो है और राइट में फ्लोरेस्टा। हमारा रूम है इसमें 1203 और फ्लोरेस्टा में ही है ना अपना 1203 बजे। सब रेजिडेंशियल, इसमें जो फ्रंट पे रूम दिख रहे हैं, इसमें जो व्यू आपको आने वाला है वो आने वाला है मेरे, है ना, इधर का ये व्यू। और जो बैक साइड पे रूम्स हैं उसमें आने वाला है, ये अभी पैराइसो ही चल रही है ना सारी, लेफ्ट में सारा पैराइसो ही। ओके, अच्छा हाँ, दो ही ब्लॉक्स हैं ये, पराइसो और फ्लोरेस्टा। पराइसो एंड फ्लोरेस्टा, ओके। व्हाट अ व्यू मैन, ये हम लोग नहीं देख पाए अभी एमपी थिएटर क्या यार, टाइम हो गया भाई, गोवा बाहर भी घूमना था हमें। भाजी राजा की कॉल आ रही है, 2 मिनट का शूट करके देता हूँ, एमरजेंसी तो नहीं है? नहीं कोई बात। ये रूम्स रूम्स भी हैं, बढ़िया। नहीं भाजी देखो ये अलग अपार्टमेंट आ गया, अब सैनिको आ गया। सैनिको क्रॉस करने के बाद एमपी थिएटर क्रॉस करने के बाद यहाँ पे सैनिको ऐसे तो आ गई, अब ये सारा अलग चलेगा।
ये भाई सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। ये 44 acres में है प्रॉपर्टी। इधर जिम्स पार वो स्विमिंग पूल एरिया का रास्ता है जो हम पहले ही दिखा चुके हैं। ये एडवेंचर पार्क स्टार्ट हो जाता है। स्वस्थ था हारमनी स्पा जिसकी ये बिल्डिंग है भाई, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई आपका एडवेंचर पार्क का रास्ता। जिसकी ये कुछ ये स्पा का ही है पूरी बिल्डिंग। हाँ हाँ पूरी बिल्डिंग स्पा की है। हाँ ये मॉर्निंग वॉक के लिए जंगल ट्रेल है और ये एडवेंचर पार्क है और ये रास्ता जा रहा है पूल की तरफ। ये एडवेंचर पार्क है भाई, ठीक है। तो अभी बोस मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लब महिंद्रा स्नोरा गोवा का जिम। ये भी है इधर वाटर स्लाइड चेंजिंग रूम और पूल बार। ये वो अपस्टेयर्स हैं और अभी इधर है अपना ये आपका स्पा है और ये इधर आपका जिम है। मैं अपना सेशन ले चुका हूँ जिम का तो मैं कहा चलो एक वीडियो शूट कर लूँ आप लोगों के लिए। तो जिम में जो बेसिक्स है साइकिलिंग आपको मिलने वाली है एक ही है। दो इसमें ट्रेडमिल्स हैं और काफ़ी फाइन क्वालिटी के सारे इक्विपमेंट्स हैं। और एक क्रॉस ट्रेनर आपको मिलने वाला है। ये आपका कोल्ड वाटर वार्म वाटर वाटर डिस्पेंसर इज देयर। दीज आर शेल्फ्स बॉल्स और यहाँ कुछ ओपन वेट आपको बेसिक्स मिलने वाला है। बेंच आपको मिलने वाला है ये जो कि कन्वर्टेबल है। तो ये है जिम और ये जिम से बाहर राइट हैंड पे वॉशरूम्स हैं। तो यूनिसेक्स है, ऐसा कोई मेल या फीमेल मेंशन नहीं है बॉस। आई थिंक सो ये बंद है, ये ओपन है। इस तरह का एक छोटा सा आपको वॉशरूम मिलने वाला है जिम के जस्ट बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पे। और अभी हम जा रहे हैं स्पा की तरफ। तो ये है स्पा। हाँ भाई से तो मिल चुके हैं हम लोग। व्हाट्स योर नेम? ओके आप ऐसे ले सकते पर्सनली। ओके ओके नो इशू मैम, नो इशू, नॉट एट ऑल। तो ये स्पा है यार, स्पा में आपको पता ही है।